हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वेलकम टू ताहिरात बाब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, यानी हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी जिनसी बीमारियों के मतलब, और हम जानेंगे कि ये बीमारियाँ लगती कैसे हैं, इनकी इलामत क्या होती हैं, और ये बीमारियाँ ठीक कैसे की जा सकती हैं, यानी इनका इलाज क्या है। मगर इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, मैं चाहती हूँ मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन के साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से मिलते रहेंगे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स। सो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि जिनसी बीमारियाँ क्या होती हैं, लगती कैसे हैं, और इनका इलाज किस तरह से मुमकिन होता है। व्यूअर्स, आप में और हम सब जानते हैं कि एचआईवी और एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां जो हैं, हम ये समझते हैं कि ये जिनसी तौर पे ट्रांसफ़र होती हैं एक इंसान को दूसरे इंसान से। बिल्कुल ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो जिनसी ताल्लुकात की वजह से जो है वो लगती हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ और हकायक भी इनसे जुड़े हुए हैं कि ये सिर्फ जिनसी ताल्लुकात की वजह से नहीं लगती। इसमें कई दफ़ा अगर किसी इंसान को डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाए और उस डेंटिस्ट ने अपने आलात को जो वो इस्तेमाल कर रहा है दांतों की सफाई के लिए या दांत निकालने के लिए, वो अच्छे तरीके से स्टरलाइज या साफ़ ना किए हों, तो भी जरासीम लगने का ख़तरा उतना ही होता है जितना कि जिनसी तौर पे इंसान को ये बीमारी जो है वो लग सकती है। इसके अलावा खून के इंतकाल की वजह से भी ये बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं। अगर खून का इंतकाल की ज़रूरत पड़ी हो, यानी खून लगवाने की ज़रूरत पड़ी हो किसी इंसान को, और वो खून टेस्ट ना हुआ हो इन जरासीमों के लिए, इन बीमारियों के लिए, तो उस सूरत में भी ये बीमारियाँ लग सकती हैं। मगर इन बीमारियों के अलावा भी कुछ ऐसी जिनसी बीमारियाँ होती हैं जिनके बारे में ना तो इंसान को पता होता है, और अगर पता हो भी तो वो शर्म के मारे ना तो डॉक्टर के पास जाता है ना किसी से डिस्कस करता है, जिसकी वजह से वो बीमारियां जो हैं वो उसके जिस्म का हिस्सा ही बनी रहती हैं, और मज़ीद एक तो एक से दूसरे इंसान यानी उनके लाइफ पार्टनर को भी लगने का ख़तरा होता है, उनको भी लग जाती हैं, और कई दफ़ा वो बीमारी एक स्टेज से यानी पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में चली जाती है, और पहले से ज़्यादा मोहलिक जो है वो साबित होती है। जिनसी बीमारियाँ जो हैं उनकी इलामात जो हैं वो बहुत आम इलामात हैं, यानी जैसे हो सकता है कि जुए तनासल से डिस्चार्ज, यानी मवाद का बहुत ज़्यादा जो है वो खारिज हो रहा हो, मवाद जो है वो उसमें स्मेल बहुत बुरी जो है वो स्मेल आ रही हो, इसी तरह से दाने बन सकते हैं, और इसी तरह से जो है अजवे तनासल के ऊपर दाने बन सकते हैं, और कई दफ़ा अजवे तनासल और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर यानी जो बहुत ही ख़ास आपके पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वॉट्स यानी कि मौकों की तरह की भी कोई चीज़ जो है वो बन सकती है। इसी तरह से ये हो सकता है कि आपको रैश यानी दाने बने हुए हैं, ख़ारिश बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही हो, डिस्चार्ज जो है मुसलसल यानी मवाद जो है वो मुसलसल ख़ारिज हो रहा हो। इसके अलावा एक और जो बहुत अहम बीमारी जो है जिसका इलाज ना करवाया जाए तो वो फिर एक नई स्टेज के ऊपर जो है वो चली जाती है, वो ये होती है कि अजवे तनासिल के ऊपर कोई एक ऐसा पेनलेस यानी जिसमें दर्द ना होता हो, कोई एक ऐसा दाना बन जाए और ये वो दाना जो है कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाए, मगर वो अपना निशान छोड़ जाए, खुद ब खुद ठीक हो जाए और अपना निशान जो है वो छोड़ जाए, और फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद जो है वही बीमारी जो है वो सामने आती है, और जो कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में होती है, यानी मतलब उसमें हो सकता है इंसान के जिस्म के ऊपर पूरे दाने वाने बन गए हो, ड्राइनेस यानी खुश्की वगैरह जो है इंसान को बहुत ज़्यादा जो है उसके जिस्म पे भी हो और अजवे तनासिल पे भी खुश्की हो सकती है। इसी तरह से जैसे आपको छाले पता होते हैं कि अक्सर हमारे मुंह पे भी बने होते हैं, और कभी अगर हम बीमार हो जाए, हमें बुखार भी बन जाए, तो अक्सर होंठों के पास जो है कुछ इस तरह के पानी वाले दाने से छाले से बने हुए होते हैं, इसी तरह के छाले जो हैं वो अजवे तनासिल के ऊपर भी बन सकते हैं। ये भी एक जिनसी बीमारी जो है वो होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों को इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, और फिर लोग शर्म के मारे जो हैं इन चीज़ों की तरफ और इलाज की तरफ भी नहीं जाते। इसमें कोई शक नहीं है कि जिनसी बीमारियां, यानी अब हम बात करने वाले हैं कि जिनसी बीमारियां लगती कैसे हैं, कि जिनसी बीमारियां जो हैं जैसे मैंने एचआईवी एड्स और हेपेटाइटिस बी और सी की तो और वजूहात बताई कि ये क्यों लगती हैं और किस वजह से लगती हैं, इनकी कुछ और वजूहात भी होती हैं, मगर ये जो जिनसी बीमारियाँ जिनके बारे में मैं अभी बता रही हूँ कि कोई दाना बन सकता है, छाले बन सकते हैं, ख़ारिश हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, और इसके अलावा डिस्चार्ज यानी मवाद का ख़ारिज होना बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है, ये सारी वो बीमारियाँ मौके वगैरह जो हैं वो बन सकते हैं, ये सारी वो बीमारियाँ जिनसी बीमारियाँ हैं जो कि इंसान को
अपने एक ही पार्टनर यानी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अगर इंसान कमिटेड है तो उसको नहीं लगती। ये सिर्फ उसी सूरत में ये वाली बीमारियाँ होती हैं जब एक इंसान का ताल्लुक जो है एक या एक से ज़्यादा इंसानों के साथ उसका जिनसी ताल्लुक रहा हो या हो, उस सूरत में ये सारी जिनसी बीमारियाँ जो हैं वो लग सकती हैं। इसी तरह से अगर ये जिनसी बीमारी जो है वो आपके स्पाउस को यानी आपकी बीवी या आपके शौहर को आपसे लग जाए तो उस इस बात का भी ख़तरा होता है कि ये बीमारी जो है वो आगे जिनसी तौर पे मारूसी तौर पे जो है वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र, कुछ ऐसी जिनसी बीमारियाँ होती हैं जो कि आगे मारूसी तौर पे भी बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि जिनसी बीमारियों का टाइमली इलाज करना, मैं समझ सकती हूँ कि इंसान से गलती होती है और इंसान को बेशक उसको अपनी गलती के लिए जो है वो सॉरी करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए बिल्कुल, और मगर इसके साथ साथ जो है अगर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हो जाए तो उससे उसके लिए माफ़ी तौबा करने के अलावा जो है उसके इलाज की तरफ अगर कोई ये अलामत आपको हो, आपके स्पाउस को हो या आपके जानने वालों में से किसी को हो, वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं इन चीज़ों के ऊपर बात करना, तो आप उनको सही हेल्प की तरफ जो है वो गाइड कीजिए, क्योंकि जिनसी बीमारियों का इलाज जो है वो ऐन मुमकिन होता है। उसके लिए आपको किसी जिल्द के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, वो इन चीज़ों का जो है वो इलाज करते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे इन चीज़ों का इलाज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे जो लोग जो हैं फर्टिलिटी को यानी कि जच्चा बच्चा के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं, या मियाँ बीवी के जो प्रॉब्लम्स हैं प्रेगनेंसी के हवाले से, उन वो लोग भी इन चीज़ों को जो है वो डॉक्टर्स भी इन बीमारियों को जो है ट्रीट कर रहे होते हैं, मगर इनका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इनका इलाज नहीं करवाएंगे तो ये बीमारियाँ एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर आपके स्पाउस को भी लगने का ख़तरा होता है और फिर आपके स्पाउस से अगली नस्ल में भी जाने का ख़तरा होता है। एहतियात क्या हो सकती है इन चीज़ों से? सबसे पहले तो जो सबसे अहम एहतियात है कि आप लॉयल रहें, आप वफादार रहें और आप सिर्फ अपना एक पार्टनर यानी आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड और आप वाइफ, अपने आप को सिर्फ उस तक महदूद जो है वो रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो है अपने जिनसी ताल्लुकात रखते हैं, गुनाह और सवाब की बात से बालातर ये चीज़ है कि वो आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ना सिर्फ आपको जिनसी बीमारियाँ लग सकती हैं बल्कि आपको HIV, AIDS, हेपेटाइटिस बी और सी इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं और बहुत सारी बीमारियाँ जिनके बारे में आपको भी और मुझे भी नहीं अभी पता, वो भी लगने का ख़तरा हो सकता है। सो बहुत बेहतर ये है कि आप अपने आप को अपने पार्टनर तक जो है वो महदूद रखें, और खुदा ना खास्ता कभी जो इस तरह की कोई गलती हो जाए तो इलाज के लिए ज़रूर ज़रूर जो है वो डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि ये बीमारी जो है वो ठीक हो सके। और जब आप अपना इलाज करवा रहे हों तो आपने यकीनी बनाना है कि आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड का भी उसी वक्त इलाज करवाएं, उसी वक्त दवाई जो है वो भी इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों में से अगर एक अपना इलाज करवा रहा है और दूसरा अपना इलाज नहीं करवा रहा, दोनों पार्टनर्स में से अगर एक इलाज करवा रहा दूसरा नहीं करवा रहा, तो फिर ये बीमारी दोबारा वापस आने का खतरा उसी तरह से होता है। जिनसी बीमारियों के मुकम्मल, चाहे आपके स्पाउस को, आपके हस्बैंड और वाइफ को जो है ये बीमारी आपको लगता है कि नहीं लगी हुई, उस सूरत में भी उसको इलाज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है उनको जरा सा लग गया हो और अभी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर ना हो रही हों। इस सूरत में भी जब इलामात ज़ाहिर हो रही हैं या नहीं ज़ाहिर हो रही, दोनों को यानी हस्बैंड वाइफ दोनों को, दोनों पार्टनर्स को अपना ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत होती है ताकि बीमारी का मुकम्मल तौर पे इलाज जो है वो हो सके और फिर ये बीमारी एक तो ठीक हो जाए, ये बीमारी ख़त्म हो जाए, और दूसरा जो है वो अगली जनरेशन में यानी आपके बच्चों में जाने से जो है उसका ख़तरा जो है वो कम से कम हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आई हो तो इस पर कमेंट कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पे, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।